हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं, एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है अभी। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे चैनल आप लोगों को गुमराह कर रहे थे ये कह के कि इस साल कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से, डे वन से एक ही चीज़ बताते जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम आपके इसी साल होंगे। बहुत बड़ी अपडेट है ये आप लोगों के लिए, जो लोग बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जिन लोगों ने IBPS RRB के फॉर्म भरे हैं, जिन लोगों ने JK बैंक का वेट कर रहे हैं किस कब होगा, जो लोग वेट कर रहे हैं उनके RBI का कब होगा मेंस, और जो लोग वेट कर रहे हैं कि SBI क्लर्क का रिजल्ट कब आएगा, प्रीलिम्स का और मेंस कब होगा। तो आपके लिए बता दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। IBPS ने आज एग्ज़ाम डेट्स जो है वो अनाउंस कर दी हैं IBPS RRB की। और इसी के साथ आपको एक और चीज़ बताऊंगा JK बैंक की एग्ज़ाम डेट के रिलेटेड। तो पहले बात कर देते हैं हम IBPS RRB की, क्या नोटिफिकेशन आई है। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आज ही आपकी RRB IBPS की साइट पे आया है। आप देख सकते हैं टेंटेटिव डेट्स बता दी गई हैं RRB 9 एग्जामिनेशन की, क्या हैं ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट की। तो आप देख सकते हैं 12 सितंबर को आपका एग्ज़ाम की डेट अभी के लिए रख दी गई है। तो आपको ये चीज़ें बता दूं कब होंगे एग्ज़ाम। आप देख सकते हैं आपके सितंबर में होंगे प्रीलिम्स, और उसी के साथ जो सिंगल एग्ज़ाम होते हैं ऑफिसर स्केल 2 के, वो अक्टूबर में है। और मेंस एग्ज़ाम आपका रखा गया है 31 अक्टूबर को आपके ऑफिस असिस्टेंट का, और 18 अक्टूबर को रखा गया है ऑफिसर स्केल 1 का। और आपको बता दूं दिसंबर में, नवंबर और दिसंबर में RRB इंटरव्यू करवा देता है, और जनवरी 1 को आप लोगों के पास आपके रिजल्ट होते हैं, और तकरीबन फरवरी में आप लोगों के पास आपके ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि IBPS और TCS पूरे फॉर्म में हैं, वो आपके एग्ज़ाम करवा लेंगे। अब बात करते हैं JK बैंक की। तो आपको बता दूं JK बैंक के लिए भी मुझे सोर्सेज से पता चला है, बहुत देर से जो बातें आ रही हैं वो ये आई हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम अक्टूबर एंडिंग या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में करवाने की बात कही गई है। बैंक बहुत ही ज़्यादा सीरियस है इस बार इस चीज़ को लेके, और आपका एग्ज़ाम 110% है कि अगर IBPS ने RRB का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया सितंबर में, तो आप लोगों का एग्ज़ाम अक्टूबर एंडिंग या नवंबर में गारंटीड होगा। और ये चीज़ मैं आपको बार बार स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि बाकी लोगों की बातों में मत आएं। हम जो आपको चीज़ देते हैं वो हमेशा आपको प्रूफ के साथ देते हैं, और प्रूफ आप लोगों के सामने है। 90% जो चीज़ें हैं वो अनलॉक हो चुकी हैं, जो लास्ट चीज़ रह चुकी है वो आपके एग्जामिनेशन है। और आपको बता दूं आज ही कल के दिन TCS ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है UP में, तो वो भी सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया है। तो आपको बता दें कि जितनी भी सारी अभी गाइडलाइंस आई हैं, आपके एग्ज़ाम जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। और जिन लोगों का RBI का एग्ज़ाम है और SBI का एग्ज़ाम है, वो भी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द आने वाला है। आपको एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले नोटिस मिल जाएगा आपके एडमिट कार्ड या जो भी, तो उसी के अकॉर्डिंग अब चीज़ें चलेंगी, सब आपके सामने हैं। जो लोग JK बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बता दें। तो आप लोगों को बता दूं JK बैंक के लिए हम लोग अपने मॉक टेस्ट देते जा रहे हैं। सेकेंड मॉक टेस्ट होगा आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर का 15 से 16 अगस्त को, और बैंकिंग एसोसिएट का होगा 22 से 23 अगस्त को। और जल्दी ही एक प्रॉपर 35-40 डेज प्लान या बैंकिंग कोर्स हम लेके आ रहे हैं। हमारे साथ 2 लोग और होंगे जो ये पूरा आपको कोर्स करवाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मॉक टेस्ट देते जाएं। पहला मॉक टेस्ट हमने दिया था अपना स्टार्टिंग पॉइंट नोट करने के लिए, दूसरा मॉक टेस्ट हम देंगे अपनी आपकी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए। ऑली बोर्ड की ऐप पे हम लोग ये देते हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया टेस्ट या अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, तो इस आई बटन पे आप क्लिक करें, आपको एक लिंक दिखेगा, आप लोग जाएं वहां से वीडियो देखें किस तरह से कर सकते हैं आप इसमें, और आप कर सकते हैं इसको ज्वाइन। आप कोड यूज़ कर लेना SSS, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसी के साथ अगर आपके बैंकिंग एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट भी बहुत जल्द हो जाएगा। हालात आप देख रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अनलॉक भी उसी स्पीड से सब चीज़ें हो रही हैं। और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का हमारा मॉक टेस्ट 4 होगा 5 से 6 सितंबर को। तो अपनी तैयारी करते रहें, किसी की बातों में मत आएँ, अपने आप को फोकस रखें, और आपका रिजल्ट एंड में आपके लिए बात करेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय।